जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज ही के दिन बने हुए, आज ही के दिन अस्तित्व में आए नवीनतम जिले मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी के बारे में। ये जिला छत्तीसगढ़ राज्य के जिला क्रम के अनुसार 29वें क्रम का जिला होने वाला है। इसके बारे में हम लोग पूरे तरीके से चर्चा करेंगे, यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख चट्टानों के बारे में, प्रमुख अयस्कों के बारे में, किस प्रकार के वन रहेंगे उसके बारे में, साथ साथ इसकी भौगोलिक सीमाएं, विस्तार, हर कुछ हम लोग करने वाले हैं आगामी परीक्षा को ध्यान पे रखते हुए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पे यदि नए हैं या आप डेली चैनल पे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए हम लोग हमारे जिले के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो 2 सितंबर 2022 यानी कि आज का दिन अंबागढ़ मोहला मानपुर निवासियों के लिए बहुत पूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि आज से लगभग 1 साल पहले 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये जिला और साथ में 3 अन्य जिले, कुल मिलाकर 4 नए जिले अस्तित्व में आएंगे। बाकी 3 जिलों की बात हम बाद में करेंगे कभी। और बात करते हैं आज हम 2 सितंबर 2022 को नवीनतम अस्तित्व में आए जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बारे में। तो इस जिले के बारे में यदि बात करेंगे, ये हमारा पुराना छत्तीसगढ़ का मैप है जो 28 जिले जिसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसी को हम जूम इन करते हैं और पहुंचते हैं इसके मात्र जिले की तरफ। तो अंबागढ़ चौकी वर्तमान में जो नया जिला हमारा बनने वाला है, इसके मात्र जिला की यदि बात की जाए तो मात्र जिला इसका था राजनांदगांव। राजनांदगांव का पुराना मैप कुछ इस प्रकार का दिखता था जब भी हम लोग अध्ययन करते थे। अब इस मैप को हम बदलेंगे और ये मैप हमारे अभी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि नया एक जिला अस्तित्व में आने वाला है। तो दक्षिण की तरफ आप स्क्रीन में नीचे की तरफ आप ध्यान देंगे तो 3 तहसीलें आपको देखने को मिलेंगी, अंबागढ़, मोहला और मानपुर। इसी को हम लोग जूम इन करने वाले हैं। जैसे आप जूम इन करेंगे, नया जिले हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो नया जिले का नक्शा कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जिसमें अंबागढ़ सबसे उत्तर की तरफ, बीच में मोहला और दक्षिण की तरफ आपको मानपुर तहसील दिखने वाली है। अलग अलग पॉइंट के हिसाब से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास जिले की भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो भौगोलिक सीमाओं को समझने के लिए हमको एक दिशा सूचक यंत्र लगेगा। तो दिशा सूचक आपको आपके स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन में जो सबसे ऊपर की तरफ रहता है, शो होता है, वो होती है उत्तर दिशा। जो नीचे की तरफ शो होता है वो होती है दक्षिण दिशा। आपके दाहिने हाथ तरफ जो होगा वो होगी पूर्वी दिशा और बाएं हाथ तरफ जो होगा पश्चिमी दिशा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा राजनांदगांव जिला एक आपका भू आविष्टित जिला नहीं था। इसका मतलब क्या है, वो बाहरी राज्यों के साथ सीमा जो है अपनी साझा करता था, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। अब अगर हम बात करेंगे दक्षिण की तरफ, तो ये महाराष्ट्र के साथ जो सीमा साझा करता था, इसी की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो हमारा जो नया जिला बनने वाला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये भी महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा करते हुए दिखेगा। तो इसकी पश्चिमी सीमा की यदि बात करी जाएगी तो महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले के साथ ये अपनी सीमा साझा करेगा। अब जब बात आती है गढ़चिरौली जिला की, महाराष्ट्र राज्य में आप लोगों ने खबर में सुना होगा ये वाला जिला नक्सल प्रभावित है। जब हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी इस जिले के साथ सीमा बनाता है तो कुछ नक्सल समस्या हमको हमारे भी जिले में ये देखने को मिलने वाली है। ये नवीनतम जिले में कुछ नक्सल समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि ओवरऑल राजनांदगांव की बात की जाए तो महाराष्ट्र के 2 जिले गढ़चिरौली और इसके साथ साथ गोंदिया के साथ ये सीमा लगाया करता था। बट वर्तमान में जब भी काटेंगे, याद रखिएगा, हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की जो सीमा लगने वाली है पश्चिमी सीमा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के साथ बस लगते हुए आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे उत्तर की तरफ तो राजनांदगांव जिले के छुरिया तहसील के साथ इसकी सीमा लगेगी। पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में बालोद जिले के डौंडी लोहारा और डौंडी, इन 2 तहसीलों के साथ इसकी सीमा लगेगी। और दक्षिण की तरफ हमारा कांकेर जिले की दुर्ग कोंदल और पखांजूर तहसीलों के साथ ये सीमा अपनी बनाएगा। तो यदि ओवरऑल वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे तो पूर्व में बालोद जिले का डौंडी लोहारा और डौंडी तहसील 2 तहसीलों के साथ सीमा बनाएगा, पश्चिम में महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला के साथ तहसील आपकी सीमा बनाएगा, उत्तर की तरफ छुरिया तहसील राजनांदगांव के साथ सीमा बनाएगा और दक्षिण में कांकेर जिला का दुर्ग कुंदल और पखांजूर तहसीलों के साथ सीमा बनाएगा। अगर पर्टिकुलर जिला के अंदर हम बात करेंगे तो इस जिले की सबसे उत्तरी तहसील होने वाली है अंबागढ़ चौकी और सबसे दक्षिणी तहसील होने वाली है मानपुर। यदि बात करेंगे सबसे पूर्वी तहसील की तो मैप में ध्यान से यदि आप देखेंगे आपको मोहला तहसील देखने को मिलेगी, और पश्चिम की तरफ यदि बात करेंगे तो मानपुर तहसील ही इसकी सबसे पश्चिमी तहसील होगी। तो
उत्तर में अंबागढ़, पूर्व में मोहला, पश्चिम और दक्षिण में मानपुर तहसील आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इस नवीनतम जिले का भौगोलिक विस्तार। आगे बढ़ते हैं, परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो चूंकि मात्र जिला इसका राजनांदगांव था, राजनांदगांव में परिवहन के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। जैसे प्रमुख में हम देखेंगे तो रेल मार्ग की यदि बात करें या रेल परिवहन की बात करें तो हावड़ा मुंबई का हिस्सा था। राज्य में यदि पहली बार रेलों की बात करेंगे तो राजनांदगांव से शुरू होता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 53 भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो प्रमुख राजमार्ग हो जाता है, और कई प्रकार के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे राजनांदगांव को जोड़ा करते थे। बट हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे हम हमारे नवीनतम जिले में, तो तीन प्रमुख सड़क मार्ग आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सड़क मार्ग इसके लिए हो जाएगा जो राजनांदगांव जिले से जुड़ेगा और तीनों तहसीलों को जोड़ेगा, अंबागढ़, चौकी, मोहला और मानपुर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 24। ये होगा हमारा एक प्रमुख राजमार्ग। इसके अलावा बात करेंगे तो एक नेशनल हाईवे 930 बालोद जिले की तरफ से आते हुए मानपुर तहसील को जोड़ेगा, जो कि हमारा इकलौता यहाँ का नेशनल हाईवे रहने वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे 930 नेशनल हाईवे 30 का ही हिस्सा है, जो नेशनल हाईवे 30 हमारे राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग होता है, या सबसे प्रमुख राजमार्ग भी हम लोग उसको कह सकते हैं। फिर बात करेंगे दक्षिण के तरफ से, कांकेर जिले के साथ ये सड़क मार्ग से जुड़ता है स्टेट हाईवे नंबर 6 के साथ। तो यदि बात की जाए वापस, तो बालोद के साथ नेशनल हाईवे 930 के साथ जुड़ेगा, राजनांदगांव के साथ ही स्टेट हाईवे 24 के साथ जुड़ता है, और स्टेट हाईवे 6 कांकेर जिले के साथ इसको जोड़ता है। तो ये तीन प्रमुख सड़क मार्ग हम लोगों को याद रखना है। अंबागढ़, मोहला और मानपुर को जोड़ने वाला इकलौता सड़क मार्ग आपका हो जाएगा स्टेट हाईवे 24। और कोई यदि एक तहसील की बात की जाए जहां पर इसके प्रमुख तीनों सड़कें मिलती हैं या तीनों सड़कें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो होगा हमारा मानपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो होगा हमारा प्रमुख नदियों के बारे में। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर नदियां आपको देखने को मिलेगी। नदी का एक बहुत बड़ा जाल यहाँ पर फैला हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से महानदी है, शिवनाथ है, हसदेव है, इंद्रावती है, खारून है, बहुत सारी यहाँ पर नदियां बहते हुए दिखेंगी। हम यदि हमारे नवीनतम जिले की तरफ जाएंगे तो प्रमुख दो नदियों की तरफ हमको ध्यान देना है। वैसे बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां निकलेंगी, दो प्रमुख नदियों की यदि बात करेंगे तो पहली नदी होगी हमारी शिवनाथ, जो पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है, और इसके बाद अंबागढ़ चौकी हम बोल सकते हैं, वहां से होते हुए ये राजनांदगांव में जाएगी, आगे दुर्ग से होते हुए महानदी में मिल जाएगी। अब कई छात्र यहाँ पर बोलेंगे कि सर जो शिवनाथ नदी है उसका उद्गम गढ़चिरौली जिले में बताता है, महाराष्ट्र के, उस पॉइंट को भी आप साथ में ले सकते हैं, पर इसका जो बहाव है अंबागढ़ चौकी से होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो प्रमुख रूप से अंबागढ़ चौकी से ये निकलते हुए शिवनाथ नदी दिखेगी, जो महानदी की सहायक है। ऐसे ही दक्षिण की तरफ आएंगे तो हमको एक प्रमुख नदी देखने को मिलने वाली है, कोटरी नदी, जो कि नीचे इंद्रावती में जाकर मिलेगी। इस प्रकार जो हमारा जिला है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये दो अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगा, जिसमें शिवनाथ नदी जो है इसको महानदी अपवाह तंत्र से जोड़ती है, जबकि कोटरी नदी जो है इसको गोदावरी अपवाह तंत्र से जोड़ते हुए दिखेगी। तो महानदी और गोदावरी दोनों अपवाह तंत्र का हिस्सा होगा हमारा मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। इसके अलावा यदि ग्राउंड लेवल वाटर की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारी नदियां देखने को मिलती है, बट जब रिपोर्ट्स आती तो ग्राउंड लेवल वाटर स्तर में यहाँ पर मैक्सिमम क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है, ड्रेन आउट की स्थिति में है, मतलब वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है या लगभग सूख चुका है। इसके अलावा मैक्सिमम जगहों पे लो लेवल वाटर आपको देखने को मिलेगा, तो उसका मैप मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैप है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे इस जिले के बारे में, कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं पत्थरों के बारे में, तो जो पॉइंट हाईलाइटेड है उसका एक अलग नाम होता है, जिसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो अधिकांश रूप से दक्षिणी भाग में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, पूर्व तरफ और उत्तर तरफ आपको ओल्डर वोल्केनिक रॉक्स या आग्नेय चट्टाने बोल सकते हैं, वोल्केनिक रॉक्स आपको देखने को मिलने वाली है। तो मेटामॉर्फिक और वोल्केनिक रॉक्स के द्वारा ये एरिया जो है चट्टाने यहाँ पर आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जब चट्टानों की बात होगी तो खनिजों की भी बात करेंगे, प्रमुख रूप से लौह अयस्क के कुछ निक्षेप आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ बेस मेटल भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि कॉपर, लेड और जिंक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। वनों की बात की जाएगी तो अधिकांश तौर पर यहाँ पर वनों में आपको देखने को मिलेंगे संरक्षित वन। जैसे वन अगर हम लोग बांटते हैं
तीन प्रकार के होते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और इसके अलावा ग्रीन बेस। तो यहाँ पर हम लोग जो ध्यान देंगे, यहाँ पर अधिकतम संरक्षित वन देखने को मिलेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, संरक्षित वन यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये ओवरऑल एक व्यू है हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किस प्रकार का दिखने वाला है। ये सारे डाटा आपके नहीं परिवर्तित होंगे। अब बात करते हैं जो डाटा परिवर्तित हो सकते हैं, ये जो करेंट के डाटा है उनके बारे में। तो उसमें हम लोग बात करेंगे वर्तमान अधिकारी गण के बारे में। तो जो नया नया आदेश आया है इसके हिसाब से अभी वर्तमान में अस्थायी रूप से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आगामी आदेश तक नियुक्त किए गए हैं। पहले बोल सकते हैं हम लोग जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रहने वाले हैं। तो पहले जिला कलेक्टर जो अस्थायी रूप से नियुक्त हुए हैं वो इस जिले के लिए है, एस जयवर्धन सर। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक की बात करेंगे तो येदुवेल्ली अक्षय कुमार जी जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, वीकली उसमें टेस्ट होंगे। साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब में लेक्चर्स आते हैं उनका पीडीएफ आपको इसमें अवेलेबल मिल जाता है। जो भी हमारे एमसीक्यू सेशन होते हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर आप उसको ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, अगस्त महीने से लेकर जो भी आगामी हमारे वीडियोस आएंगे उन सबका पीडीएफ आप वहां से अवेल कर सकते हैं। तो इतना था आज के वीडियो के लिए, ओवर करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।